नमस्ते, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल मजे में होंगे और अपना ढेर सारा ध्यान रख रहे होंगे। अगर आप किसी भी तरह की स्किन से परेशान हो, चाहे वो एक्ने हो, पिंपल्स हो, पिगमेंटेशन हो, दाग धब्बे हो या फिर सन टैनिंग हो, सनबर्न हो, आप अगर इम्प्रूव करना चाहते हो अपने स्किन को, तो ये आज की वीडियो है आपके लिए। तो आप अपने चेहरे के सारे दाग धब्बे दूर करना चाहते हो, चेहरे पर ग्लो लाना चाहते हो और साथ में ही आप अपने एजिंग के साइन जो है, मतलब कि रिंकल्स, उनको रोकना चाहते हो, तो उसके लिए बहुत ही आसान रेमेडी है मेरे पास एलोवेरा की। और इसको अपने फेस पर किस तरह यूज़ करना है वो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, सबसे पहले ना आपको क्या करना है, एक खाली कटोरी ले लेना है और उसमें आपको एलोवेरा जेल लेना है। ठीक है, तो आप इसको अपने फेस के अकॉर्डिंग, यानी कि आपको गर्दन में भी लगाना है, हाथों पे लगाना है, आप उसको वहाँ पर भी यूज़ कर सकते हो। तो आपको ले लेना है एक चम्मच के करीब एलोवेरा जेल। देखिए, मैंने इसमें ले लिया है एलोवेरा जेल। और अब हमको इसमें क्या लेना है, देखिए, हमको यहाँ पर लेना है एक पिंच के करीब हल्दी। ठीक है, अगर आपके पास कस्तूरी हल्दी है तो आप उसको आधा चम्मच भी ले सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बोलूँगी एक पिंच के करीब हल्दी आपको ले लेना है। और दूसरी चीज़ आपको इसमें क्या ऐड करनी है, दूसरी आपको यहाँ पर लेनी है एक पिंच के करीब नमक। ये देखिए, ठीक है, एक पिंच के करीब मैं यहाँ पर नमक ले रही हूँ। और तीसरी चीज़ मैं यहाँ पर ले रही हूँ सौंफ पाउडर। देख सकते हैं आप, सौंफ पाउडर मैंने लिया है। ये देखिए, सौंफ पाउडर आपको लेना है और वो भी मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ। और अब आप चाहे इसको उंगली से या फिर चम्मच से इसको कर सकते हो, इस तरह से पूरा मैश कर सकते हो। देखिए, तो ये बन के रेडी हो गया है और इसको अब आपको अपने फेस पर अप्लाई करना है। तो भाई, हमारी ये रेमेडी बनके देखिए तैयार हो गई है, लेकिन हमको इसको अपने फेस पर अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है दूध, कच्चा दूध है, और इसको मैं अपने फेस पर लगाऊंगी। ताकि आपके फेस पर जो भी धूल मिट्टी गंदगी है ना, वो पूरी साफ हो जाए। इस तरह से हमको निकाल लेना है। अगर आपके चेहरे पर मेकअप हो कोई तो उसको भी निकाल लीजिए। कच्चा दूध है तो ठीक है, वरना आप रोज़ वाटर से भी चेहरा साफ कर सकते हो, या फिर अगर नहीं तो फेस वॉश हो तो उससे भी आप अपना फेस पूरा साफ कर सकते हो। तो ये मैंने, देखिए, कालापन निकल गया है, जितना भी धूल मिट्टी थी सब निकल गई, साफ हो गई पूरा अच्छी तरह से। मतलब इसको निकाल लेना है, एक मिनट तक के आपको इसको इस तरह से हल्के हल्के हाथों से, मतलब घुमा लेना है ना। तो ये मैंने, देखिए, पूरा साफ कर लिया। बाप रे, निकला डस्ट। धूल मिट्टी गंदगी रहती ना, दिखती नहीं है फेस पर, लेकिन होती है। तो ये देखिए, मैंने पूरा निकाल गया है मेरे चेहरे का, मतलब निकल गया। देखिए, अब हो गया। अब हम क्या करेंगे, आप चाहे तो इसी के ऊपर वो लगा सकते हो, या फिर इसको धोकर आ जाइए फिर उसके बाद लगाइए। मैं इसी के ऊपर लगाऊंगी। तो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले इसको लगाना स्टार्ट करती हूँ यहाँ से। इस तरह से आपको सोफ है इसमें लगा लेना है बिल्कुल अच्छी तरह से। और इसको आपको लगा कर रखना है कितनी देर, कम से कम आधा घंटा। आपको पता है, जब आप इसको लगाओगे ना तो आपको खुद ब खुद असर पता चलेगा। ये देखिए, इस तरह से आपको लगा लेना है। आपको इसको हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार लगाना है। आप देखोगे कि आपके स्किन के जो जितने भी, मतलब आपको प्रॉब्लम है ना स्किन की, पिगमेंटेशन हो, चाहे आपका जो कलर है वो थोड़ा सा डार्क हो गया हो, ये आपका सोफ है ना, आपके स्किन को बहुत ज़्यादा फेयर करेगा। तो ये देखिए, ये आपको पूरा इस तरह से अच्छे से लगा लेना है और इसको छोड़ देना है सूखने के लिए। ठीक है,
और सूखने के बाद मैं आपको फेस अपना धोकर दिखाती हूँ, ठीक है। तो ये मैंने अपने फेस पर पूरा लगा लिया है और अब मैं इसको सूखने के लिए छोड़ती हूँ और सूखने के बाद फेस वॉश करने के बाद आपको दिखाती हूँ अपना फेस। तो देखिए ये सूख गया पूरा, ठीक है। तो अब मैं इसको धो के आती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने अपना फेस धो लिया है और आप देख सकते हैं मेरा चेहरा कितना मतलब ग्लो कर रहा है, बहुत ज़्यादा फ्रेश लग रहा है बिल्कुल, और बहुत सॉफ्ट लग रहा है बहुत ही ज़्यादा। तो फ्रेंड्स अगर आप मेरे व्यूअर्स हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और जो मेरे फर्स्ट टाइम आए हैं मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और फ्रेंड्स मैं आपसे कहना चाहूँगी कि जब भी आप अगर मेरी जो रेमेडी अगर आप अपने चेहरे पर यूज़ करते हो और उसके रिज़ल्ट आपको कैसे मिलते हैं, कैसे लगते हैं आपको, तो मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिए, मुझे कमेंट्स करिए, अपने जो विचार हैं मुझे बताइए कि आपको जैसे बालों के या फिर स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए, मैं उसके बारे में आपको वीडियो बनाकर ज़रूर बताऊंगी मतलब। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ और अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। कल मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।